हे ब्रोस, तो आज हम ब्रोकली अंडे की सब्जी बनाएंगे। देखिए रेसिपी। इसके लिए चाहिए ब्रोकली, तो हमने काट लिया है हमने, और राशन तेल भी गर्म हो गया है, और अंडे चाहिए थे। ब्रोकली अंडे की रेसिपी है, तो ब्रोकली के साथ अंडे। अंडे में हमने मिलाया थोड़ी सी गोलकी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दोनों मिक्स है इसमें, और नमक, और दोनों मिला के इसको मिक्स कर लिया। करने के बाद जो ब्रोकली है उसको अंडे में डुबाएंगे, और उसके बाद उसको कढ़ाई में डालकर छान लेंगे। यह होगा कढ़ाई में फ्राई। ये लीजिए फ्राई हो चुका है दोस्तों। इसी तरह बाकी सारी ब्रोकली को भी कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे हम लोग। साथ में हम मसाला भी तैयार करेंगे। तो ये हमारा तैयार है, मिर्ची, अदरक, लहसुन और मसाला। बस इनकी पिसाई कर लेंगे। मसाला इसमें सारे मिक्स हैं, थोड़ी सी हल्दी, ये बाकी के वो भी फ्राई हो रहे हैं मसाला। इसमें थोड़े से पानी मिलाएंगे, पर पानी गर्म रखा था मैंने, तो वही मिला दिया। इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। इधर प्याज काट लेते हैं दोस्तों। प्याज भी अभी कट गया है प्याज। दोस्तों मसाला भी पीस चुका है, वो भी भून चुका है ब्रोकली भी। अब जो बचे थे छोटे ब्रोकली के डंडी, उसका भी हमने ऑमलेट बना लिया है, उसको भी डालेंगे सब्जी में लास्ट में। ये फोरन है अपना, जीरा और मेथी का, ये डाल दिया तेल में। प्याज डालेंगे, प्याज डाल के ब्राउन होने तक इसको भून लिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों प्याज फ्राई हो चुका है। इसमें नमक डालेंगे थोड़ा, और मसाला डालकर मसाला को भूनना स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे लाल करके, जब तक कि इसमें से ऑयल बाहर ना आ जाए, तेल अलग मसाला अलग ना छूटने लगे, तब तक इसको भूनेंगे दोस्तों। ठीक है, मसाले को अच्छे से भून लेते हैं, और मसाले में से तेल निकलने लगे तो उसके बाद टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के फिर से मसाले को अच्छे से भूनेंगे तेल निकलने तक। नमक टेस्ट के अनुसार देख लेना है, नमक हमने डाल दिया है। नमक फ्राई करते समय भी डाला था, इसमें अंडे में भी। हो चुका है अपना फ्राई, ये डालो पानी, थोड़ा सा पानी डाल के और फ्राई करेंगे एक बार।
अच्छे से मसाला पक जाना चाहिए। मसाला पकेगा तभी तो टेस्ट आएगा। हम लोग मसाले को अच्छे से पकाते हैं। चुका है दोस्तों, मसाला पकने लगा है। थोड़ा सा और फ्राई करते हैं, उसके बाद पानी डालेंगे। ये डाला हमने पानी जितना चाहिए। अरे पानी तो बाहर जो वापस जाने लगा दोस्त, ये क्या हुआ? तो आ जाओ, ये रहा दोस्तों पानी। अब इसमें गोलकी गरम मसाला का पाउडर जो है हमारे पास, वो डालेंगे। खोला के चला के ढक देंगे थोड़ी सी, फिर उसके बाद डाल देंगे इसमें हम अपना जो ब्रोकली फ्राई की थी अंडे में डाल के, उसको इसमें डाल देंगे दोस्तों। मसाला तैयार है, ब्रोकली डाल दिया और ये हो गया अपने ब्रोकली और अंडे की सब्जी तैयार। थोड़ा और इसको उबलने देंगे, इसको डालने के बाद गर्म हो जाएगी, उबल जाएगी, उसके बाद सब्जी तैयार हो जाएगी। बाकी जो उसके डंडी का जो बनाया था हमने ऑमलेट, उसको भी डाल दिया है। गोभी के नीचे वाले जो डंडी होती है, वो डंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है मुझे खासकर, तो मैं उसको भी फ्राई कर देता हूँ या फिर उसको ऑमलेट बना देता हूँ। ऑमलेट बना कर इसको डाल देता हूँ इसमें ही। यम्मी, सब्जी तैयार है, लेग पीस आया।